दोस्तों, आज गुल्ली और बुली के घर सोहन आया हुआ था। और क्योंकि आज 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे का दिन है और आज रात को ये तीनों मिलकर धूम मचाने वाले हैं, और इसी की तैयारी करने के लिए इन लोगों ने सोहन को इतनी जल्दी घर पर बुलाया था। और अब इन तीनों ने अपने घर को काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। तभी बुल्ली बोला कि सोहन, हमने तुम्हें यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए बुलाया है। तुमने खाने पीने की व्यवस्था ठीक से तो की है ना, या फिर तुम खाना लाए ही नहीं हो? अगर खाने की कमी हुई तो याद रखना, मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। मेरा मतलब है, तुम्हारे कपड़े उतरवा ले जाएंगे। ये सुनकर सोहन बोला, बुल्ली तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने सारा खाना पहले ही खा लिया है और ख़त्म कर दिया, और अब तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और अगर कुछ बचा है तो वो है तुम लोगों का फ्रिज, कहो तो मैं उसे भी खाली कर दूँ। गुल्ली बोला, नहीं सोहन, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें पता है ना कि हमने बाबा को भी यहाँ पर बुलाया है, और अगर बाबा तुम्हारी इन हरकतों को देखकर गुस्सा हो गए तो वो हमें कमरे में बंद करके मारने लगेंगे, और तुम तो जानते ही हो कि बाबा कितने गुस्सेबाज आदमी हैं। सोहन बोला, अरे गुल्ली, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और तुम मुझे डराओ मत। मुझे पता है कि बाबा कैसे आदमी हैं, और जरा पीछे देखो, वो देखो हमारे घर रॉड आ रहा है, शायद उसे भी पार्टी करनी है। चलो उसे भी हम लोग पार्टी में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद इन तीनों के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और तीनों रॉड की तरफ देखने लगते हैं, और रॉड भी इन तीनों के पास दौड़ा दौड़ा चला जाता है। रॉड जैसे ही इन लोगों के पास जाता है, बुल्ली रॉड से पूछता है कि क्या हुआ रॉड, आज तुम आधी रात को यहाँ कैसे? कहीं तुम्हें पिछली बार की तरह फिर से हमारी जीप तो नहीं चाहिए? और अगर चाहिए तो एक बात जान लो तुम कि इस बार हम में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पार्टी करने वाले हैं, और तुम चाहो तो हम तुम्हें भी पार्टी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें इन दोनों से भी परमिशन लेनी होगी, क्योंकि ये सब अरेंज इन्हीं लोगों ने किया है। ये सुनकर रॉड बोलता है, बुल्ली ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं यहाँ पार्टी करने नहीं आया हूँ। असल में मुझे तुम लोगों से कुछ काम है, और अगर तुम लोग चाहो तो मैं अभी के अभी तुम्हारे पार्टी में शामिल भी हो सकता हूँ, बस तुम एक बार मुझे हाँ बोल दो। ये सुनकर गुल्ली बोलता है, सोनी को रिश्ता है जो हाँ बोल दे। और इसके बाद गुल्ली बोलता है कि रॉड, हम तुम्हें पार्टी में शामिल तो कर ले रहे हैं, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हें पार्टी में कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सोहन द भुक्खड़ ने सारा खाना पहले ही ख़त्म कर दिया है, और पहले पार्टी हम लोग करेंगे, उसके बाद तुम्हारा काम करेंगे। गुल्ली की भुक्खड़ वाली बात सुनकर सोहन बोलता है कि गुल्ली, तुम रॉड को झूठी बातें मत बताओ, रॉड तुम्हारे खाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन ये इंजेक्शन तुमने किस चीज़ का लिया है? ये जहर का इंजेक्शन है क्या, या फिर कुछ और है ये? इन लोगों की बातें सुनते ही रॉड एकदम से सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम लोगों को जो कुछ भी करना है करो, लेकिन पहले मैं अपना काम करूंगा, पार्टी तुम लोग मेरे काम हो जाने के बाद ही करना। और ये इंजेक्शन किसी जहर का नहीं है, बल्कि ये एक नया केमिकल है जिससे कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग में जान आ जाती है, और मैंने इसे अपने लैब में बनाया है, लेकिन अभी तक मैंने इसका टेस्टिंग नहीं किया है। मैं इसे टेस्टिंग करने के लिए ही तुम लोगों के पास आया हूँ। वो जो तुम लोगों ने स्नोमैन बनाया है, मैं उस पर ही टेस्ट करूंगा। और तभी बुल्ली बोलता है, अच्छा रॉड, तो ये बात है, ठीक है तुम टेस्टिंग कर लो, लेकिन जरा सावधानी के साथ करना, क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। जाओ जाकर लगा दो इंजेक्शन उस स्नोमैन को। इसके बाद रॉड बोलता है, ठीक है बुल्ली, मैं अभी इंजेक्शन लगाता हूँ, और मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि एक बार मेरा काम हो जाने के बाद मैं तुम्हारे स्नोमैन को बम से उड़ा दूंगा, मेरा मतलब है दोबारा बनवा दूंगा। और इसके बाद रॉड उस स्नोमैन के पास काफ़ी तेजी से जाने लगता है, और उस स्नोमैन के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसे घूरने लगता है। और इसके बाद रॉड उस स्नोमैन के अंदर अपना इंजेक्शन घुसा देता है, और फिर रॉड स्नोमैन से दूर हटकर पीछे खड़ा हो जाता है। इंजेक्शन लगते ही उस स्नोमैन के अंदर मूवमेंट होने लगती है, और फिर तभी उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी हैं, जिसे देखकर गुल्ली बुली और सोहन डर चुके हैं। और तभी स्नोमैन इन लोगों को गुस्से दे देखता है और अपनी सारी लाइटों को बुझा देता है, जिससे चारों तरफ थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है। और तभी गुल्ली बोलता है, ये बहुत खतरनाक लग रहा है, जल्दी से सब लोग अपनी जान बचा कर भागो यहाँ से, अगर इसने हमें पकड़ लिया तो ये हमें मार देगा, जल्दी से जान बचा कर भागो यहाँ से। लेकिन रॉड को लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और स्नोमैन दोबारा से मर चुका है, इसलिए वो वहाँ से नहीं भागता और एक लगातार खड़ा होकर उसे देखता रहता है। लेकिन तभी
स्नोमैन रॉड को हवा में उठा लेता है और उसकी गर्दन को दबाने लगता है, उसे गर्दन से पकड़ लेता है और रॉड उसे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। रॉड कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैंने ही तुम्हें ज़िंदा किया है और तुम ये बात मत भूलो कि अगर मैं तुम्हें ज़िंदा कर सकता हूँ तो तुम्हें मार भी सकता हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मेरा यकीन करो, मुझे जाने दो। लेकिन स्नोमैन पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो रॉड को ज़ोर से पटक देता है जिससे रॉड वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ये सारा मंजर दूर से गुल्ली बुल्ली और शॉन छुपकर देख रहे होते हैं। गुल्ली और शॉन को ये समझ में नहीं आ रहा कि अब उनका क्या होगा। तभी शॉन बोलता है कि गुल्ली मुझे लगता है कि रॉड मर चुका है, तुम जल्दी से बाबा को फ़ोन मिलाओ क्योंकि अब बाबा ही हमें बचा सकते हैं, जल्दी से मिलाओ उनके पास फ़ोन वरना ये हमें मार देगा। शॉन मेरे पास मोबाइल नहीं है, पूछो तुम गुल्ली से, वो मेरा मोबाइल तो घर के अंदर है और अगर मैं घर के अंदर गया तो ये मुझे देख लेगा और स्नोमैन मुझे देखते ही मार डालेगा और मैं मरना नहीं चाहता। क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? बुल्ली जल्दी से तुम बाबा के पास फ़ोन मिलाओ, तुम्हारे पास तो फ़ोन होगा ही। बुल्ली बोला नहीं, मेरा मोबाइल भी घर में ही है, मेरा फ़ोन मैंने चार्ज में लगाया था क्योंकि मेरे फ़ोन का चार्ज लो हो गया था। मैं तो कहता हूँ कि चलो अब जीप से ही बाहर चले जाते हैं क्योंकि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है और बाबा पता नहीं कब आएंगे, तो जल्दी से जीप निकालो गुल्ली और शॉन, इससे पहले कि वो हमें देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। बुल्ली की बातें सुनकर गुल्ली बोलता है, बुल्ली मेरे पास चाबी नहीं है और शॉन के भी पास चाबी नहीं है, जीप की चाबी तो घर ही में है, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हम में से किसी को चाबी घर के अंदर से लानी होगी वरना ये हमें मार ही देगा। और तभी जिसका डर था वही हुआ, स्नोमैन ने गुल्ली और शॉन को इसे देखता हुआ देख लिया, स्नोमैन ने इन्हें देख लिया और वो इनकी तरफ गुस्से से मुड़ा और इन्हीं लोगों की तरफ काफ़ी तेज़ी से आने लगा। ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, लगता है ये अब इन चारों को छोड़ेगा नहीं। लेकिन तभी स्नोमैन को कुछ सुनाई देता है और वो पीछे देखने लगता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन भी उधर ही देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो किसी ट्रक की आवाज़ सुनाई दे रही है और ये रोड पर भी कोई ट्रक ही आ रही है, लेकिन आधी रात को ये किसकी ट्रक हो सकती है? अरे ये क्या, इस पर तो बक्से लदे हुए हैं, इसका मतलब ये डीजे ट्रक है, लगता है गुल्ली बुल्ली ने ही डीजे मंगवाया है नाच गाना करने के लिए। ये ट्रक सीधे गुल्ली बुल्ली के घर के सामने आकर रुक जाती है और तभी उस ट्रक की खिड़की को कोई खोलता है और बाहर देखने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा घर लगता है, चलो चल के उतर के देखते हैं। और फिर वो मास्क मैन ट्रक से उतर जाता है और घर की तरफ देखने लगता है और फिर बहुत ज्यादा खुश होते हुए हंसने लगता है। लगता है ये कोई निंजा है जो गुल्ली बुल्ली की मदद करने आया है। गाइस, आपको क्या लगता है ये कौन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ी देर हंसने के बाद वो आदमी घर की तरफ देख के बोलता है, दोस्तों वैसे तो मैं एक कार्टून हूँ लेकिन इस स्टोरी में मैं एक चोर हूँ और इस डीजे के ट्रक को मैंने चुराया है और लेकर घूम रहा हूँ और अब मैं इस घर को भी लूट लूंगा, काफी बड़ा घर लगता है, लगता है अंदर काफी ज्यादा माल होगा, आज तो इस घर में चोरी करके मजा ही आ जाएगा। और लगता है अब इस घर के अंदर कोई नहीं है। स्नोमैन उस चोर को देख रहा होता है और वो भी उसे ही देख रहा होता है और फिर वो घर के पास जाने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो रुक जाता है और स्नोमैन उस चोर की तरफ बढ़ने लगता है और फिर स्नोमैन उस चोर को घूरने लगता है। तभी वो चोर बोलता है, कौन है रे तू, यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुझे पता नहीं है कि यहाँ मैं चोरी करने वाला हूँ? देख, मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर जान प्यारी है तो इस बर्फ से बाहर निकल जा। स्नोमैन बोलता है, नहीं, तू मुझे जानता नहीं है, मैं बहुत खतरनाक हूँ, इसलिए अंदर जो भी है बाहर आ जाए वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन स्नो को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने सर को उल्टा सीधा घुमाने लगता है। ये देखकर चोर भी थोड़ा डर जाता है और बोलता है, बस बहुत हुआ, लगता है अब तुझे अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ गुल्ली बुल्ली और शॉन देख रहे होते हैं। तभी ये देखकर बुल्ली बोलता है, अब ये आदमी कौन है
जो मास्क लगाकर स्नोमैन से बातें कर रहा है। गुल्ली, क्या तुमने इस आदमी को बुलाया है या फिर किसी और ने बुलाया है? तभी शॉन बोलता है, मुझे लगता है कि ये आदमी भी उस स्नोमैन के साथ मिला हुआ है और हमें मारने की तैयारी कर रहा है। और अब मुझे लगता है कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। गुल्ली बुल्ली, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मैं एक बार और पार्टी करके ही मरना चाहता हूँ। गुल्ली बोलता है कि चुप करो तुम दोनों, यही सही मौका है, वो आदमी स्नोमैन को भड़काए हुए है। तब तक मैं घर के अंदर जाकर चाबी ले आता हूँ और बाबा को भी मैं अंदर जाकर फ़ोन कर दूंगा। ये काफ़ी अच्छा मौका है, अब मैं जा रहा हूँ और तुम लोग पीछे मेरा ध्यान रखना। अगर वो स्नोमैन घर के अंदर आने लगे तो मुझे इशारे से बता देना। इसके बाद गुल्ली दबे पाँव घर के अंदर जाने लगता है। गुल्ली जरा भी लापरवाही नहीं करना चाहता, क्योंकि जरा भी लापरवाही होगी तो इसके साथ साथ बुल्ली और शॉन की भी जान चली जाएगी। गुल्ली बिना लापरवाही किए हुए दरवाजे के पास जाता है और धीरे से दरवाज़ा खोल के घर के अंदर चला जाता है। और इधर वो चोर स्नोमैन को धमकी देने के बाद स्नोमैन को मारने लग जाता है। वो आदमी स्नोमैन को एक लगातार 3-4 लात घूसे की बरसात कर रहा होता है, लेकिन स्नोमैन को तो इससे कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर वो आदमी थोड़ा डर जाता है और तभी स्नोमैन अपना लकड़ी का हाथ उस चोर के शरीर के आर पार कर देता है, जिससे उस चोर की वहीं पर मौत हो जाती है। और तभी रॉड को भी होश आने लगता है और वो उठकर बैठ जाता है। इसके बाद रॉड पीछे देखता है तो उसे स्नोमैन दिखाई देता है और ये देखते ही रॉड खड़ा हो जाता है और स्नोमैन के पास जाता है और वो अपनी जादुई शक्तियों से स्नोमैन के शरीर के अंदर अपना हाथ लगा देता है, जिसकी वजह से शायद स्नोमैन भी मरने लग जाता है। स्नोमैन का शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है, उसकी सिर्फ मुंडी ही घूम रही होती है और फिर वो रॉड को देखता है और रॉड भी उसे देखने लगता है। और तभी देखते ही देखते स्नोमैन को बहुत ही तेजी से चोट लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। वो सीधे उस चोर के ऊपर जाकर गिरता है और वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। और ये देखकर रॉड की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और इसके बाद रॉड बुल्ली और शॉन की तरफ देखता है और अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। और ये देखकर बुल्ली और शॉन भी अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं और शॉन तो नाचने ही लग जाता है। और तभी रॉड बोलता है, देखा बुल्ली और शॉन, मैंने इसे एक ही बार में ढेर कर दिया, ये हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, अब इसका खेल ख़त्म हो चुका है, अब तुम लोगों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा, तो अब चलो पार्टी करते हैं और तुम लोग गुल्ली को भी घर के अंदर से बुला लो, जिससे हम लोग साथ में मिलकर पार्टी कर सकें। गुल्ली बोला, हाँ ज़रूर रॉड, जाओ तुम ही घर के अंदर जाकर गुल्ली को बुला लाओ, तब तक मैं और शॉन पार्टी की तैयारी करते हैं और बाबा भी अभी आ ही जाएंगे। और ये सुनकर रॉड तुरंत ही घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी रॉड घर के अंदर जा ही रहा होता है कि तभी स्नोमैन का शरीर में कुछ हलचल होने लगती है और उसका शरीर एकदम से बदल जाता है और उस चोर का भी शरीर गायब हो जाता है। अरे ये क्या, कहीं ये दोबारा ज़िंदा तो नहीं हो गया? अरे ये क्या, ये तो सच में ज़िंदा हो गया। और रॉड ये देखकर हैरान हो चुका है। इसके बाद स्नोमैन पीछे देखता है और उसे रॉड दिखाई देता है और फिर वो बिना वक्त गवाए रॉड के पास जाता है और रॉड को घूने लगता है। और तभी देखते ही देखते वो रॉड को एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से रॉड दूर जाकर फेंका जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगर इसका इलाज सही वक्त पर नहीं हुआ तो ये मर भी सकता है। और ये देखकर स्नोमैन भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि जिसे उसे मारने की कोशिश की थी उसे उसने मार कर अपना बदला ले लिया। स्नोमैन को लगता है कि रॉड मर चुका है और यही सोच सोच कर वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। और तभी गुल्ली भी घर के बाहर आ जाता है और वो अपने सामने स्नोमैन को देख कर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे देखने लगता है और स्नोमैन भी गुल्ली को ही देख रहा होता है। इसके बाद स्नोमैन गुल्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है और गुल्ली के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है और उसके ऊपर पंच मारने जा रहा होता है। स्नोमैन गुल्ली को पंच मारने ही वाला होता है कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आती है और वो वहीं रुक जाता है। और इसके बाद गुल्ली और स्नोमैन दोनों पीछे देखने लगते हैं और इन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। ये क्या, ये तीनों ये देखकर हैरान है कि यहाँ पर तो बाबा आ चुके हैं और अब बाबा इन लोगों को बचा लेंगे। बाबा अपनी बाइक को गुस्से से स्नोमैन की तरफ ले जाने लगते हैं। अब लगता है स्नोमैन का आखिरी वक्त आ चुका है और अब वो बाबा से नहीं बच सकता। गुल्ली बाबा को पास आता देखकर बाबा के इरादे समझ जाता है और इसके बाद वो
स्नोमैन के पीछे से भाग कर दूर हो जाता है और दूर आकर खड़ा हो जाता है और वो स्नोमैन को देखने लगता है। और तभी देखते ही देखते बाबा अपनी बाइक को सीधे स्नोमैन के ऊपर ले जाकर ठोक देते हैं। स्नोमैन दीवार तोड़कर सीधे घर के अंदर फेंका जाता है। स्नोमैन दीवार तोड़ के दूसरे दीवार से टकराता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और बाबा को लगता है कि स्नोमैन मर चुका है और अब ये इनका कुछ नहीं उखाड़ सकता। इसके बाद बाबा अपनी बाइक को पीछे लेते हैं और घर के बाहर बाइक लगाकर खड़ा कर देते हैं। और ये सब कुछ गुल्ली साइड में खड़ा देख रहा होता है। घर की हालत देखकर गुल्ली बाबा से बोलता है, अरे बाबा आपने ये क्या कर दिया, आपने तो घर के साथ साथ हमारी घर की दीवार ही उड़ा दी, अब इसे हमें दोबारा बनवाना पड़ेगा। क्या बाबा आपने भी हमारा काफी ज्यादा नुकसान करा दिया, अब इसे हम कैसे बनवाएंगे, इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। ये सुनकर बाबा बाइक से उतर जाते हैं और वह गुल्ली की तरफ देखते हुए बोले, गुल्ली तुम घर की टेंशन मत लो, उसे मैं रिपेयर करा दूंगा, लेकिन क्या तुम अभी मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पर चल क्या रहा है और ये हाथी जैसा आदमी कौन है और रॉड यहाँ पर सो क्यों रहा है, क्या इसे अपने घर पर सोने को जगह नहीं मिली या फिर कुछ और बात है। ये सुनकर गुल्ली बाबा को सारी बात बताता है कि ये स्नोमैन है और इसे रॉड ने जिंदा किया है और ये अब तक एक आदमी को मार भी चुका है और रॉड यहाँ पर सो नहीं रहा है बल्कि वो बेहोश है क्योंकि स्नोमैन ने उसे एक जोरदार पंच मारा है जिसकी वजह से उसका काफ़ी खून बह चुका है और अब आप उसे ठीक कर दीजिए वरना वो मर जाएगा। बाबा बोले, हाँ जरूर मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन क्या तुम अभी मुझे ये बता सकते हो कि आखिर गुल्ली और शॉन कहाँ है, और तुम रॉड को दोबारा घर पर मत बुलाना वरना ये फिर से ऐसी कोई हरकत करेगा और तुम्हें मुसीबत में फंसा देगा। बाबा की ये बात सुनते ही गुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा मैंने रॉड को नहीं बुलाया बल्कि ये खुद ही आया था और अगर अब से ये दोबारा हमारे यहाँ आएगा और ऐसे कोई फालतू के एक्सपेरिमेंट करेगा तो हम इसे मार मार का मजा चखा देंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद गुल्ली और शॉन को भी बाबा से बात करने की चुल मस्ती है और वो लोग भी बाबा और गुल्ली के पास जाने लगते हैं। ये लोग तुरंत ही बाबा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर ये लोग बाबा से बोलते हैं, बाबा इस स्नोमैन को जलाकर ख़त्म कर दीजिए क्योंकि इसने हमें बहुत परेशान किया है और इसने एक चोर को भी मारा है और ये अभी मरा भी नहीं है, जल्दी से इसे मारकर ख़त्म कर दीजिए। इन लोगों की बातें सुनकर बाबा तुरंत ही पीछे देखने लगते हैं और उन्हें कुछ दिखाई देता है। बाबा देखते हैं कि स्नोमैन तो सच में नहीं मरा है और वो उठने की कोशिश कर रहा है और तभी देखते ही देखते स्नोमैन अपने सर को यहाँ वहाँ घुमाने लगता है और थोड़ी देर बाद उठ कर खड़ा हो जाता है और वह बाबा को गुस्से से देखने लगता है और बाबा को देखते देखते चिढ़ने लगता है। इसके बाद स्नोमैन बाबा को मारने के लिए बाबा के पास काफ़ी तेजी से आता है। स्नोमैन जैसे ही बाबा के पास आता है वो बाबा पर हमला करने लग जाता है लेकिन इसका हमला बाबा रोक लेते हैं और इसके बाद देखते ही देखते बाबा अपना हाथ स्नोमैन से छुड़ाते हैं और फिर बाबा को आ गया जोरदार गुस्सा और बस फिर क्या था, बाबा ने एक लात धर दिया स्नोमैन को जिसकी वजह से स्नोमैन दूर जाकर दोबारा फेंका जाता है और दोबारा से बेहोश हो जाता है। और ये देखकर बाबा का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है लेकिन उनका गुस्सा अभी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है। इसके बाद बाबा पीछे जाते हैं और अपनी शक्तियों को इकट्ठा करते हुए अपने हाथ को हवा में उठाते हैं और एक बिजली का जोरदार वार करते हैं और वो वार सीधे वो स्नोमैन पर करते हैं जिसकी वजह से स्नोमैन के शरीर में आग लग जाती है और वह वहीं पर जलने लग जाता है। थोड़ी देर जलने के बाद उसका शरीर पूरी तरीके से राख बन जाता है और उसका खेल वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बाबा रॉड को ठीक कर देते हैं और इसके बाद ये पांचों मिलकर डांस करने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको इनमें से किसका डांस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।